हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल करियर ट्यूटर। तो हमारी मैथ की क्लास चल रही थी, तो हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो आज हम उस तीसरा जो चैप्टर है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, थर्ड चैप्टर क्या है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ये शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ फ्रैक्शंस हैं, तो इसको हम बिल्कुल हमें याद करना ही होगा। 10-15 है, कभी कभी तो पीछे जो पेपर हुए नेट के, बिल्कुल इसी में से उठा के पूछ लिया भाई। जैसे ये पूछ लिया भाई, कोई संख्या दे देगा भाई, 50 का 1/10 बताओ क्या होगा भाई, 50 का 10% बताओ कितना होगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसे एक का पूछे भाई, कोई चीज़ है वो अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100%, और 1/2 में करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा यानी कि 50%, और 1/3 करेंगे तो उसका यानी कि 33 सही 1/3, इसी तरह 1/4 करेंगे तो 25%, और 1/5 करेंगे तो 20%, इसी तरह 1/6 करेंगे उसका तो 16 सही 2/3%। परसेंट याद रखना, परसेंट हमेशा साथ लगाना है। और इसी तरह 1/7 करेंगे तो 14 सही 2/7%, और 1/8 करेंगे तो 12 सही 1/2% यानी 12.5%, और 1/9 करेंगे तो 11 सही 1/9%, और 1/10 यानी कि 10%, और 1/11 यानी कि 9 सही 1/11%, और 1/12 यानी कि 8 सही 1/3%, और 1/13 करेंगे तो 7 सही 2/13%, और इसी तरह 1/14 करेंगे तो 7 सही 1/7%, और 1/15 निकालेंगे तो 6 सही 2/3%, और 1/16 निकालेंगे तो 6 सही 1/4। कभी कभी इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपको एक संख्या दे दी भाई 440, और इसका पूछ लेगा भाई 12.5%, इसको सिर्फ फ्रैक्शन के रूप में लेके आओगे ना, तब तक तो बोलेगा, लेकिन इसका इसका ही हमें दूसरा रूप याद है भाई, इसका ही दूसरा रूप क्या है, 1/8। तो हम इसमें 12 24 25 ऐसे करेंगे ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो आ जाएगा लेकिन हमें टाइम भी देखना है। तो इसका क्या निकालेंगे, 1/8 अगर ऐसे दे परसेंटेज में, तो हम ये कर सकते हैं। जैसे कहेगा भाई 20 है, तो इसको बोल देगा इसको फ्रैक्शन में बदलो। तो फ्रैक्शन का मतलब ये क्या है, ये सिंबल है किसका, परसेंटेज का। तो यानी कि 20/100, तो यानी कि 20 1 = 20, और 20 5 = 100, तो यानी कि 1/5, जो 20% का फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, 1/5। इसी तरह कह देगा कि 2/5 फ्रैक्शन एक भिन्न है, उसको कन्वर्ट टू परसेंटेज, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, कितने से, 100 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 × 10 और 0 की 0, तो कितना आ जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 40% यानी कि हम, इसका मतलब क्या हुआ, 2/5 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 40% के बराबर है। और अगर 40% है, अगर उसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो 4 0 से 0, 0 से 0, और 2 से 5, ये आ गया ना, 2/5 2/5। तो इस तरह हम किसी भी संख्या का परसेंटेज या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल हमें एज ए प्रॉपर याद होना चाहिए, नहीं तो बात वो नहीं है कि भाई याद नहीं है, बात टाइम की है भाई, ये याद होंगे तो हमें थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी, निकाल तो लेंगे 6/2 करके 100 से मल्टीप्लाई करके। तो कहने का मतलब याद होंगे तो ये अच्छा है। तो ये कुछ फ्रैक्शन थी, कुछ परसेंटेज थे परसेंटेज के चैप्टर में, तो ये आपको देख लेना एक बार, कन्वर्ट करके परसेंटेज टू कन्वर्ट, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज। तो देखो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप बार बार यूट्यूब देखते हो तो इसको एक बार सुबह देख लेना, एक बार शाम को दो चार बार देखो तो अपने आप याद हो जाएगा, एक दो और बार हैंड रिटन कर लेना, अपने आप याद रह जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे देख के लिखना, लेकिन गारंटी है 3 या 4 बार लिख के देख लोगे तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो हम मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।